लोगो अपने परवरदिगार से डरो कि कयामत का जलजला एक हादसा अजीम है। ए मुखातब, जिस दिन तू उसको देखेगा उस दिन ये हाल होगा कि तमाम दूध पिलाने वाली औरतें अपने बच्चों को भूल जाएंगी और तमाम हमल वालियों के हमल गिर पड़ेंगे और लोग तुझको मदहोश नजर आएंगे, हालांकि वो मदहोश नहीं होंगे बल्कि अजाब देखकर मदहोश हो रही होंगे। बेशक अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है और बाज लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की शान में इल्म के बगैर झगड़ते और हर शैतान सरकश की पैरवी करते हैं, जिसके बारे में लिख दिया गया है कि जो उसे दोस्त रखेगा तो वो उसको गुमराह कर देगा और दोजख के अजाब का रास्ता दिखाएगा। लोगों, अगर तुमको मरने के बाद जी उठने में कुछ शक हो तो हमने तुमको पहली बार भी तो पैदा किया था, यानी इब्तिदा में मिट्टी से, फिर उससे नुतफा बनाकर, फिर उससे खून का लोथड़ा बनाकर, फिर उससे बोटी बनाकर, जिसकी बनावट कामिल भी होती है और नाकिस भी, ताकि तुम पर अपनी खालिकियत जाहिर कर दें। और हम जिसको चाहते हैं एक मियाद मुकर्रर तक पेट में ठहराए रखते हैं, फिर तुमको बच्चा बनाकर निकालते हैं, फिर तुम जवानी को पहुंचते हो और बाज कबल अज पीरी मर जाते हैं और बाज बुढ़ापे की निहायत खराब उम्र की तरफ लौटाए जाते हैं कि बहुत कुछ जानने के बाद बिल्कुल बेइल्म हो जाती हैं। और ऐ देखने वाले, तू देखता है कि एक वक्त में जमीन खुश्क पड़ी होती है, फिर जब हम उस पर मेह बरसाते हैं तो वो शादाब हो जाती और उभरने लगती है और तरह तरह की बारौनक चीजें उगाती है। इन कुदरतों से जाहिर है कि अल्लाह ही कादर मुतलक है जो बरहक है, और ये कि वो मुर्दों को जिंदा कर देता है, और ये कि वो हर चीज पर कुदरत रखता है, और ये कि कयामत आने वाली है उसमें कुछ शक नहीं, और ये कि अल्लाह सब लोगों को जो कब्रों में हैं जिला उठाएगा, और लोगों में कोई ऐसा भी है जो अल्लाह की शान में बगैर इल्म के और बगैर हिदायत के और बगैर किताब रोशन के झगड़ता है और तकब्बुर से गर्दन मोड़ लेता है ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर दे। उसके लिए दुनिया में जिल्लत है और कयामत के दिन हम उसे अजाब आतश सोजा का मजा चखाएंगे। ऐ सरकश, ये उस कुफर की सजा है जो तेरे हाथों ने आगे भेजा है, और अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। और लोगों में बाज ऐसा भी है जो किनारे पर खड़ा होकर अल्लाह की इबादत करता है, अगर उसको कोई दुनियावी फायदा पहुंचे तो उसके सबब मुतमईन हो जाए, और अगर कोई आफत पड़े तो मुंह के बल लौट जाए, यानी फिर काफिर हो जाए। उसने दुनिया में भी नुकसान उठाया और आखिरत में भी, यही तो साफ नुकसान है। ये अल्लाह के सिवा ऐसी चीज को पुकारता है जो ना उसे नुकसान पहुंचाए और ना फायदा दे सके, यही तो परले दर्जे की गुमराही है। बल्कि ऐसे शख्स को पुकारता है जिसका नुकसान फायदे से ज्यादा करीब है। ऐसा दोस्त भी बुरा और ऐसा साथी भी बुरा। जो लोग ईमान लाए और अमले नेक करते रहे, अल्लाह उनको बहिश्तों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। कुछ शक नहीं कि अल्लाह जो चाहता है करता है। जो शख्स ये गुमान करता हो कि अल्लाह उसको दुनिया और आखिरत में मदद नहीं देगा, तो उसको चाहिए कि ऊपर की तरफ यानी अपने घर की छत में एक रस्सी बांधे, फिर उससे अपना गला घोंट ले, फिर देखे कि आया ये तदबीर उसके गुस्से को दूर कर देती है। और इसी तरह हमने इस कुरान को उतारा जिसकी तमाम बातें खुली हुई हैं, और ये याद रखो कि अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है। जो लोग मोमिन यानी मुसलमान हैं और जो यहूदी हैं और सितारा परस्त और ईसाई और मजूसी और मुशरिक, अल्लाह उन सब में कयामत के दिन फैसला कर देगा। बेशक अल्लाह हर चीज से बाखबर है। क्या तुमने नहीं देखा कि जो मखलूक आसमानों में है और जो जमीन में है, और सूरज और चांद और सितारे और पहाड़ और दरख्त और चौपाए और बहुत से इंसान,